हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या बोलूँगा इसके बारे में, तो मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन बस ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। इतना बोल सकता हूँ कि हम लॉकडाउन की ज़िंदगी में जी रहे, और अभी लॉकडाउन तो फेज 3 में चल रहा है, और आज के दिन है 51 दिन चल रहा है। तो मई का 17 तक लॉकडाउन खुलेगा, फिर नेक्स्ट फेज 4 में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, कितना दिन के लिए होगा कुछ पता नहीं। इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ तो श्योर हो गया कि हम आने वाले दिनों में ऐसे ही जीना पड़ेगा। हम ज़्यादा गैदर नहीं कर सकते पब्लिक के बीच, हम मॉल नहीं जा सकते, हम शॉपिंग करने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं जा सकते, हम ज़्यादा लोग एक साथ घूमने के लिए भी नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ बैठ के चाय अड्डा कॉफ़ी शॉप में भी नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ एक्चुअली हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हम जो टाइम वेस्ट करते थे वो टाइम, अगर दोस्तों के साथ जो वेस्ट करते थे वो टाइम हम घर पे स्पेंड करेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ। और जो हम पैसा खर्च करते थे कॉफ़ी में, चाय में, सिगरेट में, तम्बाकू में, जो भी है, उस चीज़ से हम बच सकते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में पूरा दारू बंद है, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सब बंद है। तो जब वो सब चालू था, तब हम ये सब अगर नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं कंज्यूम किया तो नहीं रह सकते थे। लेकिन आज के डेट में ये सब नहीं कंज्यूम करके भी हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये एक चीज़ ख्याल हमेशा रहता है कि हम लॉकडाउन में जी रहे, हमको इसी चीज़ के ऊपर अमल करना है, इसी चीज़ के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस हिसाब से मेरे लिए लॉकडाउन तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इस जगह में आके अटक जाता है जहाँ पे हम, जैसे कि जितने लोग जॉबलेस हो गए, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब चला गया लॉकडाउन की वजह से, काम नहीं कर पा रहे, इन लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। ख़ास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। जैसे कि हाई रैंक वाला, फर्स्ट क्लास वाला आदमी है, वो उसके पास पैसा है, वो तो जी लेगा, उसका बिजनेस है वो कर लेगा। जो गरीब लोग हैं, वो लोग के लिए सोचने वाला हाई क्लास है, लेकिन मिडिल क्लास वाला ना किसी को बोल सकता है, ना कोई उसके लिए सोचेगा। तो इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी रिलीफ मिल रहा है, प्रधानमंत्री का जो हमारा पीएम का जो अकाउंट है मोदी जी का, वहाँ पे औरत लोग को 500-500 दे रहे हैं, राशन की दुकान में चावल फ्री दे रहे हैं, कभी कभी दाल भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी नहीं चलेगा। उसके लिए सरकार कुछ अलग करना पड़ेगा, लॉकडाउन को खुलना पड़ेगा, उसमें कुछ छूट देना पड़ेगा हम लोग को, आम इंसान के लिए। तो देखते ही, ये तो 17 तक खुलेगा, खुलने के बाद वापस एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा पता नहीं। कोई अगर ज़्यादा हेल्थ इशू वाला आदमी है, मरीज है, वो दूर तक नहीं जा सकते हॉस्पिटल में, अगर जाएगा भी तो उसके लिए परमिशन चाहिए, वो भी 2 आदमी के ऊपर 3 आदमी नहीं जा सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा सिर्फ ये चीज़ है कि हम घर में रह सकते हैं, जो टाइम बाहर बिताने का था वो हम अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं, खर्चा जो एक्स्ट्रा करने का था वो हम खर्चा नहीं कर सकते। और एक चीज़ हमारे गाँव में इतना आसान हो गया कि पहले हमको कुछ ख़रीदने के लिए मार्केट दुकान जाना पड़ता था, ग्रोसरी में जाना पड़ता था, वेजिटेबल ख़रीदने के लिए दुकान में जाना पड़ता था, लेकिन आज के तारीख में हम लोग को सब कुछ चीज़ घर तक होम डिलीवरी मिलती है। एक तो हमारा पुलिस के ज़रिए, जैसे कि जिला प्रशासन वालों ने एक वो निकाला, ज़रिया निकाला कि उनके अंडर पे लाके घर पे सब्जी बेचते, कोई और दूसरा भी है लोकल जो अपना बिजनेसमैन लोग है सब्जी बेचते, वो लोग भी लाके होम डिलीवरी देते हैं। यहाँ तक कि आज के तारीख में हमको रमज़ान की इफ्तारी की जलेबी भी होम डिलीवरी मिलती है। पहले कैसे हम दुकान में जाते थे, वहाँ से जलेबी लाते थे, इफ्तारी करते थे, लेकिन आज के टाइम में दुकान में नहीं जाना पड़ रहा है, हमारे रास्ते पे, हमारे मोहल्ले पे लाके वो लोग जलेबी सेल कर रहे हैं, वो भी इतना महंगा भी नहीं, सस्ते में सेल कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा करते आए हैं। और एक चीज़ तो अच्छा ये हुआ कि पहले हम कैसे दुकान मार्केट में जाके गैदर करते थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, पब्लिक भीड़ ज़्यादा होता था, लेकिन आज के तारीख में वो सब नहीं हो रहा है, एकदम सुनसान सन्नाटा जगह है, पब्लिक एकदम शांत है, कोई किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा है,
कि वो मिलेगा ये मिलेगा, बस अपने अपने काम करके निकल जा रहे हैं। मैं अभी अपने घर से निकल रहा हूँ असर की नमाज़ के लिए, देखता हूँ मस्जिद में कितने लोग हैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, अगर कम लोग होंगे तो मैं जाके नमाज़ पढ़ के वापस आ सकता हूँ, नहीं तो घर पे ही नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सरकार बैंड करके रखा है नमाज़ पढ़ने के लिए घर पे, सॉरी मस्जिद पे, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हमारे मोहल्ले पे, इसलिए कुछ लोग 3-4 लोग 5 लोग मिल के जमात कर लेते हैं। उससे ज़्यादा लोग होंगे तो मैं भी खुद नहीं जाने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मस्जिद एकदम सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है, किस 2-3 लोग ही मस्जिद के अंदर है, उनका नमाज़ हो गया, तो अभी मैं जाके नमाज़ पढ़ के आऊँगा। मस्जिद का गार्डन का ये जो फूल है काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये हमारा मस्जिद का गार्डन का फूल है। नमाज़ हुआ मेरा फिनिश, आ गया हूँ घर पे, अभी देखता हूँ इफ्तारी के लिए क्या बन रहा है, ज़रा जांच पड़ताल करता हूँ क्या क्या बन रहा है आज इफ्तारी में। और पीछे जो इंसान अभी यहाँ से गुजरे हैं वो हमारे घर के प्रधान हैं, यानी कि हमारे पिताजी के पिताजी। ये जो हैं पिताजी हमारे अब्बे के, अब्बा के, इसका मतलब दादा हमारे। तो चलते हैं डायरेक्ट किचन में, किचन में जाके दिखाता हूँ आपको इफ्तारी का क्या बन रहा है, अगर कुछ बन रहा है तो दिखाऊंगा अगर टाइम है तो। किचन में आके देखा इफ्तारी का अभी तो कुछ बना ही नहीं, इसके लिए कुछ वीडियो में आया ही नहीं, सिर्फ एक सब्जी बना। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं मेरा बेटी के साथ बैठ के काफ़ी खेल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, तो मेरा डेली का यही रूटीन है, घर पे जब तक मैं रहता हूँ तब तक बेटी के साथ ही खेलता हूँ, मतलब घूम फिर के कोई और है ही नहीं ना। माँ बाप के साथ कितना टाइम बेटे का बात करेगा, घर वाले के साथ कितने टाइम बेटे का बात करेगा, सिर्फ एक ही एक जो बेटी है मेरे, नाम है जहरा मुस्कान, उसके साथ ही खेल के मेरा दिन निकल जाता है। कैसे सुबह होती है फिर शाम होती है फिर सुबह होती है फिर शाम होती है, उसके साथ हंसता खेलता मुस्कुराता, ऐसे लॉकडाउन निकल रहा है, गुजर रहा है, लॉकडाउन का कोई टेंशन ही नहीं आ रहा है। लेकिन टेंशन भाई करना पड़ेगा, फ्यूचर का टेंशन है, काम धंधा बंद रहेगा जिंदगी ठप हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, कब मिलेंगे पता नहीं, जब मूड होगा बना लेंगे वीडियो, नहीं तो मेरा इतना मूड नहीं बनता है वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।